जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कनेक्टिविटी आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति, जिसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे, आज वह 2 से 2.5 अधिक से अधिक 3 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच सकता है। उसकी दूरी को कम किया गया है। दूसरा, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेस वे पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसे हम 2025 में कुंभ के पहले पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेस वे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच में इस एक्सप्रेस वे को हम राष्ट्र को समर्पित कर सके। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर 2 से 3 दिन एक दंगा होता था, 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, 2007 से 2012 के बीच में 300 से 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो 2 अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी आएंगे, नेपाल से आएंगे तब भी, बिहार से आएंगे तब भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं।